A soap bubble blown by a mechanical pump at the mouth of a tube increases in volume with time. ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है सोप बबल का टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टाइम है. एट अ कांस्टेंट रेट द ग्राफ दैट करेक्टली डिस्पाइट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल. प्रेशर इनसाइड बबल क्या होता है, पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट प्लस 40 डिवाइड बाय आर, ये होता है प्रेशर इनसाइड बबल. तो वी वॉल्यूम उसका 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टाइम है. तो यहां से हम आर की बात करें तो r प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3. तो r की जगह हम t की पावर 1/3 पुट कर देंगे, तो p प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/t की पावर 1/3 के. ठीक है, तो p की वैल्यू क्या होगी, p नॉट से स्टार्ट करके फिर कुछ 1/t की पावर 1/3 के साथ मूव करेगी. तो अगर इसको पूरा एक टर्म बोल दे 1/t की पावर 1/3 को, तो प्रेशर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे हम देखें कि ये P नॉट हो जाएगा ऑप्शन 4 में, और ये जो है 1/3 पावर है. ठीक है, तो वहां से फिर वो लीनियरली ग्राफ आएगा, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि टी का क्यूब नहीं है, 1/t का क्यूब नहीं है, ये 1/t की पावर 1/3 है.